इंडियन क्रिकेटर्स अपनी फिटनेस का कितना ध्यान रखते हैं ये तो हमने देखा है। इनफैक्ट बॉलीवुड एक्टर्स भी अपनी बॉडी को लेके कितने कॉन्शियस रहते हैं ये भी हमने देखा है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कबड्डी प्लेयर्स भी बिल्कुल पीछे नहीं है, चाहे डाइट की बात हो चाहे फिटनेस की बात हो, हर एक चीज में बिल्कुल ऑन पॉइंट रहते हैं। चलिए आपको बताती हूँ कि सबसे फेमस कबड्डी प्लेयर्स जो इस वक्त प्रो कबड्डी लीग का भी हिस्सा हैं, वो अपनी फिटनेस के लिए क्या कुछ करते हैं, कैसी उनकी डाइट रहती है, क्या उनका फिटनेस रिजीम रहता है। वेल स्टार्टिंग विद दीपक निवास हुड्डा जो फिलहाल जयपुर पिंक पैंथर्स की तरफ से खेलते हैं, कैप्टन भी हैं और ऑलराउंडर की पोजीशन में दिखते हैं। खेलते तो डेफिनेटली ये अच्छा हैं ही और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न इनकी फिटनेस है। ये सिर्फ पीकेएल का हिस्सा नहीं है, इंटरनेशनली भी टीम इंडिया को बहुत जगह रिप्रेजेंट कर चुके हैं, साउथ एशियन गेम्स में कबड्डी वर्ल्ड कप का हिस्सा रह चुके हैं। और इनकी फिटनेस की अगर हम बात करें तो कैन यू बिलीव इट, एक वक्त था जब ये 90 किलोज़ के हुआ करते थे। जब इन्होंने कबड्डी खेलना शुरू किया था तब ये 90 किलोज़ के हुआ करते थे और उस वक्त इनके गांव में जिम की फैसिलिटी तो थी नहीं, ऑफकोर्स ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने दौड़ कर यानी रनिंग करके ही अपना वेट शेड करने का डिसाइड किया। एंड एक साथ एक स्ट्रेच में ये 30 किलोमीटर तक भागा करते थे विदाउट एनी ब्रेक, तभी तो आज इतने स्मार्ट और फिट नज़र आते हैं। और इसके बाद वो जिम ना करने के बजाय सिटअप्स करते थे, स्किप करते थे यानी रस्सी कूदते थे, अपने घर में ही सीढ़ियों से ही लगातार बार बार ऊपर नीचे करते थे ताकि उनकी बॉडी पूरी अजाइल बनी रहे, फ्लेक्सिबिलिटी उनकी बॉडी में रहे, चाहे बारिश हो ठंड हो गर्मी हो किसी चीज़ का ख्याल नहीं, सिर्फ अपनी फिटनेस का ध्यान रखते थे एंड इसीलिए आज इतने फिट नज़र भी आते हैं। टॉकिंग अबाउट हिज डाइट, वो पूरी तरह से वेजिटेरियन है और वेजिटेरियन डाइट ही फॉलो करते हैं और इनफैक्ट जो घर का खाना होता है दाल रोटी सब्जी बिल्कुल उसी को फॉलो करते हैं। वाइट राइस सफ़ेद चावल नहीं खाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा फैट आपको ज़्यादा देता है, विच ही ऑफकोर्स डजंट वॉन्ट इन हिम। इसके अलावा कच्चा पनीर ज़रूर खाते हैं और बहुत सारे फ्रूट्स पे डिपेंड करते हैं खूब सारा फाइबर लेने के लिए, एनर्जी लेने के लिए। तो ये है दीपक निवास हुड्डा का राज अपनी फिटनेस को लेके। ओके नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज प्रदीप नारवाल, इनको हम डुबकी किंग के भी रूप में जानते हैं और पटना पायरेट्स के ये रेडर हैं। प्रो कबड्डी लीग सीजन 7 में पटना पायरेट्स की तरफ से खेल रहे हैं और बहुत अच्छा हर साल की तरह इस बार भी खेल रहे हैं और इनकी भी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। इन्हें ऑफकोर्स जंक फूड खाना नहीं पसंद है लेकिन घर का खाना खाना ये ज़्यादा पसंद करते हैं और एक प्रॉपर डाइट लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स सब कुछ इंक्लूडेड हो। इसके अलावा मीठे से ये ज़रा दूर रहते हैं, कभी अगर मन कर गया तो ही खाते हैं विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली। और ये मानते हैं कि एक्सरसाइज करने के साथ साथ फिजियोथेरेपी के सेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि जो मैचेस के वक्त प्लेयर्स को इंजरी हो जाती है वो सारी इंजरीज टाइमली क्योर हो सके, सही हो सके, इसलिए फिजियोथेरेपी के सेशंस पर ये बहुत ज़्यादा एम्फसिस देते हैं। तो ये थी फिटनेस रिजीम प्रदीप नारवाल की। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज द वेरी फेमस रेडर राहुल चौधरी जो PKL 7 में तमिल थलाईवास की तरफ से खेल रहे हैं। अच्छा आपको पता है राहुल चौधरी ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो बच्चे थे छोटे थे तो वो हर तरीके का जंक फूड खाते थे, जितना अनहेल्दी फूड होता था वो सब खाते थे, जिसके चलते ऑफकोर्स आगे जाके वो ओवरवेट हो गए, उन्हें लोग चढ़ाने लगे। और राहुल चौधरी ने ये तक बताया था कि एक वक्त था जब डॉक्टर ने बोल दिया था कि अपने वेट के चलते ज़्यादा वक्त तक जीवित नहीं रहेंगे, यानी ज़्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, इनकी लाइफ बहुत छोटी है, कैन यू बिलीव इट। लेकिन उसके बाद से राहुल चौधरी के पेरेंट्स ने उनकी डाइट का ध्यान रखा, उनकी फिटनेस का ध्यान रखा एंड ऑफ कोर्स उन्होंने भी अपनी उसी हेल्दी डाइट को आगे कंटिन्यू किया। ये डेयरी प्रोडक्ट्स बचपन से ही बहुत खाते आ रहे हैं ताकि इनको फिटनेस के रूप में हर एक चीज़ मिल सके। इसके अलावा अब ये ड्राई फ्रूट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं और रोटी बहुत कम खाते हैं, चावल इन्होंने बिल्कुल खाना बंद कर दिया है ताकि जितने इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो रोटी के ज़रिए मिलें, चावल से इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए।
फिटनेस के लिए कहते हैं कि ये प्रैक्टिस बहुत करते हैं, यानी अपने मैचेस की प्रैक्टिस करते हैं। तो एक पंथ तो काज हो जाता है, फिटनेस भी हो जाती है, प्रैक्टिस भी हो जाती है, और सुबह शाम दोनों टाइम कम से कम एक घंटा करते हैं विदाउट एनी डिले, विदाउट स्किपिंग अ सेशन। इसीलिए अभी इनको कह सकते हैं कि इंजरी फ्री इनका करियर है। ऐसा गेम, कबड्डी जैसा गेम जिसमें बॉडी कॉन्टैक्ट बहुत होता है, इंजरीज बहुत होती हैं, उस सिनारियों में राहुल चौधरी एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें कम से कम इंजरीज होती हैं और सबसे ज़्यादा फिट प्लेयर्स में इनका नाम ज़रूर लिया जाता है। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज धर्मराज चेरलथान। ये हैं हरियाणा स्टीलर्स के डिफेंडर और कैप्टन। और क्या आप बिलीव करेंगे, 44 ईयर्स इनकी एज है और इस एज में भी ये सबसे ज़्यादा फिट कबड्डी प्लेयर्स में से एक माने जाते हैं। जितने यंगस्टर्स हैं ये दे ऑल लुक अप टू हिम और ये उनकी इंस्पिरेशन है। एंड इन फैक्ट ये अपने खान पीने का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, दाल ये रोज़ खाते हैं ताकि प्रोटीन का जो सोर्स होता है वो उन्हें मिल सके। अगेन ये भी बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाते हैं ताकि जो आप क्विक मूवमेंट करते रहते हैं जब आपके पास वक्त नहीं है बैठ के प्रॉपर खाना खाने का, तो ड्राई फ्रूट्स के ज़रिए सारी एनर्जी मिलती रहे। और जूसेस पे, फ्रेश जूसेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं धर्मराज। इसके अलावा रोज़ ये काम पे जाने से पहले रनिंग ज़रूर करते हैं और जिमिंग ज़रूर करते हैं, इसमें कोई कोताही नहीं बरतते, यानी ये अपनी फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं। भले ही एज 44 हो गई हो तो इनके लिए कह सकते हैं एज इज़ जस्ट अ नंबर। यानी ये सारे कबड्डी प्लेयर्स इतने ज़्यादा स्मार्ट और फिट इसीलिए हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से अपना ध्यान रखते हैं, चाहे ये जिम के सेशंस अफोर्ड कर पाएँ या ना कर पाएँ, कुछ ना कुछ तरीके से अपनी डाइट का, अपनी फिटनेस का ध्यान रख ही लेते हैं। आप मुझे बताइए, आपको इन सारे कबड्डी प्लेयर्स में से सबसे ज़्यादा फिट कौन लगता है या किसकी बॉडी आपको सबसे ज़्यादा स्मार्ट लगती है, कॉमेंट बॉक्स में बताइए। और देखते रहिए रूटर, बाय।